रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें से उस जैसे कुछ और सवालात करते हैं। तो हम ये भी रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पढ़ने के साथ अहद किया था कि हम अपना इखलाक और किरदार भी संवारेंगे, तो उसके लिए क्या हमने तरजीहात अपनी मुतय्यन कर ली हैं, और उन तरजीहात में सबसे पहली तरजीह है अल्लाह से ताल्लुक कायम करना। क्या हम कुरान जी तर्जमे के साथ पढ़ते हैं और उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करते हैं, और क्या हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद बहुत आसान है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने बेशक कुरान को आसान फरमाया है। तो अगर आपको उर्दू पढ़ना आती है तो आप कुरान को अरबी के साथ साथ उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि हमारा अल्लाह, हमारा रब हमें क्या कह रहा है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लें और उसके ऊपर आप लिखें कि कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस, ये इशारिया है, इसको आपने फ्रैक्शंस में कैसे तब्दील करना है। तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और उसके बाद पहले खुद से हल करें, फिर उसके बाद देखें। तो पहले हमने इशारिया के नीचे एक लगाया, फिर जितने आगे डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगाए, और फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आपके सामने तीनों फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में चेंज किए हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले इशारिया के नीचे एक लगाएं और इशारिया के बाद जितने नंबर हैं उतने सिफर लगाएं और इशारिया फिर उसमें से उड़ा दें। तो ये हमारा जो है वो और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट परसेंटेज एज फ्रैक्शन, ये 54%, 72% और 97% है, इनको आपने फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, कॉपी पेंसिल लें, खुद से करें। तो ये हमने 54/100 और 72/100 और 97/100 किया। अब आपने इसमें से परसेंट को डिवाइडेड बाय 100 लिखे, और फिर उसके बाद उसको ज़रूरत पड़े तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं परसेंटेज का सिंबल गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास फ्रैक्शन है और हमने उनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, कॉपी पेंसिल लें, परसेंट को परसेंट में चेंज करें। तो आपको पता है कि जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह, और साथ सिंबल ऐड कर देते हैं, यानी फ्रैक्शन से परसेंट में तब्दील करने के लिए 100 से ज़रब दें और परसेंट का सिंबल लगा दें। तो ये हमने पहले भी कर चुके हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, 30% ऑफ 30, 20% ऑफ 60 और 40% ऑफ 65। अब आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, हम ये पहले भी कर चुके हैं। हम इसको प्रोपोर्शन इक्वेशन बनाते हैं कि 30% का मीन है 30/100, तो 30 को हम कुल रहते हैं 100% और एक्स परसेंटेज हमने इसकी मालूम करनी है। तो एक्स जो है 30/100 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 30% ऑफ 30 इज इक्वल टू 9, ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट है 20% ऑफ 60, तो हम इक्वलेंट इक्वेशन लिखेंगे, 20/100 इज इक्वल टू एक्स बाय 60, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका जवाब हमारे पास आ जाता है 12। तो 20% ऑफ 60 इज इक्वल टू 12, और उसके बाद हम 40% ऑफ 65 भी वैसे ही करेंगे, 40/100 इज इक्वल टू एक्स बाय 65, क्योंकि 65 हमारे पास कुल रकम है, हमने उसका 40% मालूम करना है, तो एक्स इज इक्वल टू 26, तो 40% ऑफ 65 इज इक्वल टू 26। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को
लाइक और शेयर करें।